Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you about degree of comprehension. It is a part of adjective. Student, ये आपका adjective का आपका part 6 है. इससे पहले मैं already आपकी 5 video upload कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको adjective के बारे में बताया है. First video में मैंने आपको बताया था कि मैं adjective क्या होता है, उसके kinds बताए थे, उनके example दिए थे. एंड सेकंड जो आपकी लगातार जो फोर्थ वीडियो मैंने डाली थी लगातार आपकी, उन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. तो अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वीडियो को वहाँ से आप वॉच कर सकते हो. और स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियो को दबा करके, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंप्लीजन. बात करते हैं स्टूडेंट आपकी हम डिग्री की. डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? डिग्री में आपकी तीन डिग्रियां आती हैं, पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव. तो हम बात करेंगे इस, यानी कि पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट आपकी होती क्या है. जब हम किसी एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट, जो कुछ वर्ड होते हैं जो हम क्वालिफाइंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर किसको क्वालिफाई करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड यूज़ क्वालिफाई करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव स्टूडेंट. इसे यहाँ बताया कि जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए करते हैं तो वो एडजेक्टिव स्टूडेंट आपका पॉजिटिव डिग्री में होता है. इसने सिंपली बोला है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का हम कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जब किसी हम एडजेक्टिव है, मान लो उससे हम किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं हम नाउन के बारे में, उसके गुण की यानी उसकी अवस्था के बारे में हमको क्या है वो बताता है तो वो आपको पॉजिटिव डिग्री में होता है. उसके लिए हम जो एज डॉट डॉट एज आपका यूज़ किया जाता है, और आपका सो डॉट डॉट एज. जो आपकी स्टूडेंट पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो आपकी एज डॉट डॉट एज के बीच में रखी जाएगी, और आपके सो डॉट डॉट एज के बीच में रखी जाती है. यहाँ बताया है कि एस के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है. नॉमिनेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट? आपका सब्जेक्ट केस को ही आप नॉमिनेटिव केस कहते हैं. तो एस के बाद स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट केस आता है, यानी सब्जेक्ट केस का जो आपका प्रोनाउन होता है उसको आप यूज़ करोगे. जैसे यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका दिस टेबल इज हैवी, तो यहाँ ये यह आपका स्टूडेंट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका यहाँ पर नाउन यूज़ किया गया है. तो यहाँ बताया गया कि दिस टेबल इज हैवी, तो यहाँ पर आपका सिंपली बताया गया कि इस तरीके की टेबल कैसी आपकी है भी है, तो यहाँ उसने डायरेक्टली वैसे ही सिंपली वे में यहाँ पर बता दिया आपको. लेकिन यहाँ बताया यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र हो. तो यहाँ पर स्टूडेंट उसने यहाँ पर गुड का यूज़ किया गया है, नाउन है आपका स्टूडेंट, इसकी क्वालिफाई कर रहा है आपका गुड. वो बता रहा है कि तुम कैसे छात्र हो, एक अच्छे छात्र हो स्टूडेंट. तो यहाँ नेक्स्ट बताया कि राम इज एज हैंडसम एज सुरेश, तो यहाँ एज और एस, तो मैंने भी आपको बताया कि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी स्टूडेंट्स वो आपकी एस डॉट डॉट एस के बीच में है. तो यहाँ आपका हैंडसम जो यूज़ किया गया है स्टूडेंट, ये आपका एडजेक्टिव है, ये ही आपकी पॉजिटिव डिग्री बताता है कि राम इज एस हैंडसम एज सुरेश. तो यहाँ बताया गया है कि सुरेंद्र के यहाँ पर जो राम है वो कितना सुंदर है जैसे कि आपका सुरेश. नेक्स्ट बताया गया ही इज़ नॉट सो गुड एज, तो यहाँ ही इज़ नॉट सो गुड, तो यहाँ गुड आपका स्टूडेंट यूज़ किया गया है आपका एज एडजेक्टिव यहाँ पर सो और एज के बीच में. तो ये आपका स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है बस कि जहाँ भी आपका एज डॉट डॉट एज के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव है या फिर सो डॉट डॉट एज के, तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री होता है स्टूडेंट. जैसे यहाँ बताया गया कि नोट में आपका कुछ बताया गया है कि अफर्मेटिव में आपका एज डॉट डॉट एज यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, और जो नेगेटिव होता है उसमें आपका सो डॉट डॉट एज यूज़ किया जाता है. लेकिन हम सो डॉट डॉट एज का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बेहतर करते हैं स्टूडेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट आपका कंपेरेटिव डिग्री. अभी हमने बात की थी हम पॉजिटिव क्या होता है, अब बात करेंगे हम कंपेरेटिव डिग्री आपका क्या होता है. जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ दो व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों के बीच हम कंपेयर के लिए करते हैं तो वहाँ पर हम एडजेक्टिव यानी कंपेरेटिव डिग्री में होता है स्टूडेंट. अभी जैसे मैंने आपको पॉजिटिव बताया था कि जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताएंगे सिंपली कि उसकी अवस्था या गुण के बारे में,
तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री में होता है। लेकिन आपका कंपेयर, कंपरेटिव जो बना है स्टूडेंट आपका, कंपेयर वर्ड से ही बना है। तो कंपेयर मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ की यानी किसी तो वस्तुओं या व्यक्ति या पदार्थों के बीच में क्या करें आप तुलना करते हो यानी उनमें कंपेयर करते हो, तो वहाँ आपका एडजेक्ट यानी कंपेरेटिव डिग्री होता है। जैसे यहाँ बताया गया आपका कि कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्ट के बाद हम देन का यूज़ करते हैं, और देन के बाद आपका नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, या सब्जेक्ट के बाद ट्रांजिट इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ किया गया। स्टूडेंट जो भी आपका कंपेयर डिग्री में अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हम आप देन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद नॉमिनेटिव यानी हम सब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट केस का जो प्रोनाउन होता है उसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया गया है कि सुरेंद्र इज बेटर देन राम, यानी कि सुरेंद्र ये आपका एक नाउन है स्टूडेंट, राम आपका एक नाउन है यहाँ पर, और ये जो आपका जो वेटर यूज़ किया गया स्टूडेंट ये है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री। तो मैंने बताया जैसे ये यानी कि एडजेक्टिव आपका कंपेरेटिव डिग्री का, तो उसके बाद आपको यूज़ करना होता है देन का, तो ये आपका सही है इस तरीके से। यहाँ बताया गया सी इज मोर ब्यूटीफुल देन रामा, ठीक है। यहाँ बताया कि वो लड़की कैसी है यानी कि वो मोर जो वर्ड यूज़ किया था स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊँगा जब हम चेंज करना सीखेंगे इसी पार्ट में आपके वीडियो के में, कि हम किस तरीके से पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रियाँ बनाते हैं, तो वहाँ पर हम मोर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर कंपेरेटिव के लिए, मोस्ट यूज़ करते हैं फॉर हम सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो यहाँ इसने तो यहाँ पर इसने देन यूज़ किया गया, तो स्टूडेंट ये आपका सही है। ही इज़ बेटर देन आई की, यानी कि वह बेटर मीन्स क्या है, देन मीन्स मुझसे, वह मेरे से बेहतर है। तो यहाँ पर हमने कंपेरेटिव डिग्री के बीच में बेटर यूज़ किया है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, और उसके बाद हमने देन यूज़ किया है, तो और ये आपका आई क्या है स्टूडेंट, ये है आपका यानी सब्जेक्ट केस का आपने प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया। जैसे अमेरिका इज़ रिचर देन इंडिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपकी कंपेरेटिव की मतलब कंपेयर की गई कि अमेरिका जो क्या है आपका, अमेरिका इज़ रिचर देन इंडिया, यानी कि जो अमेरिका है आपका पैसे वाला है यानी अमीर है, किससे, इंडिया से, इंडिया से। तो यहाँ स्टूडेंट आपका ये जो रिचर वर्ड यूज़ किया गया यही आपका स्टूडेंट कंपेरेटिव डिग्री है। यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका नोट कि द, उसके बाद हम कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द टू, उसके बाद हम कोई भी प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं यानी किसके लिए, फॉर सेलेक्शन यानी कि चुनाव के लिए। जैसे यहाँ बताया गया कि ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉय, यानी कि ही यहाँ बताया गया स्टूडेंट ही के बारे में, ही इज़ बेटर ऑफ़ द टू, ऑफ द टू का यूज़ करते हैं स्टूडेंट फॉर हम चॉइस यानी हमें चुनाव करना होता है। जैसे बताया कि ये जो लड़के हैं ना, ये प्लूरल नाउन आपका बॉय, तो इसी के अकॉर्डिंग से बोला है कि द, उसके बाद हमने कंपेरेटिव डिग्री यहाँ यूज़ की, उसके बाद ऑफ द टू, उसके बाद यानी कि ये जो लड़का है, ये लड़का उन सब लड़कों में से, उन दो में से बेहतर है। तो यहाँ स्टूडेंट इस तरीके से इसने यूज़ किया है। यहाँ बताया कि ही वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट आपका कंपेरेटिव डिग्री स्टूडेंट ऑफ द टू का यूज़ किया गया, उसके बाद हमने यहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज़ किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ही आपका सही स्टूडेंट। लेकिन इसमें बताया गया आपका नोट में दिया गया कि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ होता है तो हम देन के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ बताया कि यू लव हिम मोर देन मी, यानी कि तुम उसको प्रेम करते हो किससे, मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा। तो मी यहाँ स्टूडेंट जो आपका यूज़ किया गया ये आपका ऑब्जेक्ट केस यानी कर्म करता है, यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया गया है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका सुपरलेटिव डिग्री, जब हम किसी एडजेक्टिव का यूज दो या दो से अधिक, पॉजिटिव में स्टूडेंट हमने सिर्फ एक की बात की थी और कंपेरेटिव में हमने स्टूडेंट दो की बात की, लेकिन हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं, दो या दो से अधिक यानी वही व्यक्ति वस्तुओं और पदार्थों की तुलना यानी कंपेयर के लिए करते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी जो हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उसकी जो सबसे उच्चतम जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको एक्सप्रेस करना होता है, उसके लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, वह आपका सुपरलेटिव डिग्री में होता है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ बताया गया अनु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो ये जो आपका स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, इसकी जो हम सुपरलेटिव जो डिग्री यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट यूनिक, जैसे कि वह जैसा है ऐसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो आपका सुपरलेटिव है। जैसे यहाँ बताया गया अनु इज़ द मोस्ट, तो ये जो आपका वर्ड यूज़ किया गया स्टूडेंट मोस्ट, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तो और उसके बाद हमने यहाँ पर
ब्यूटीफुल यूज़ किया गया, यानी कि ये बताया गया अनु क्या है, वो सुंदर लड़की है सबसे किससे इन दिस क्लास। तो यहाँ कंपेयर की गई स्टूडेंट किससे, इस क्लास की लड़कियों से, अनु जो लड़कियाँ हैं अनु नाम की वो सबसे सुंदर है किनसे, जो इस क्लास की जो सभी लड़कियाँ। तो स्टूडेंट यहाँ इसने बेटर हमको सबसे बेटर सजेशन दिया, यानी सुपर की बार हमसे बात की है सुपर के बारे में कि अनु क्या है, सबसे सुपर है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसको। नेक्स्ट में बताया है कि राम इज़ द ओल्डेस्ट मैन इज द विलेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका द यूज़ किया गया, उसके बाद हमने यहाँ ओल्डेस्ट का यूज़ किया गया है कि मैन इन द विलेज। तो यहाँ पर जो राम है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताया है कि राम इज़ द ओल्डेस्ट, यानी कि जो राम था वह उस गांव में यानी विलेज में सबसे बुजुर्ग इंसान था। इस तरीके से आपको स्टूडेंट किसकी कंपेयर की जा रही है, एक व्यक्ति के पूरे गांव के व्यक्तियों से कंपेयर की जा रही है, पूरी क्लास से कंपेयर की जा रही है सुपरलेटिव डिग्री में आपकी। जैसे यहाँ बताया गया सी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द फाइव सिस्टर्स, यानी ये कोई लड़की है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है अपनी पांचों बहनों में सबसे क्या है, चतुर है यानी चालाक है। तो यहाँ क्लेवरेस्ट जो यूज़ किया गया स्टूडेंट, ये आपका यूज़ किया गया एज सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर। यहाँ बताया गया नेक्स्ट में आपका सुरेंद्र इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन दिस इन द कॉलेज, यानी कि सुरेंद्र नाम का कोई स्टूडेंट है वो क्या स्टूडेंट आपका, पूरी कॉलेज की बात की गई है कि सुरेंद्र क्या है, सबसे होनार स्टूडेंट्स है किसमें, इस कॉलेज में। तो यहाँ आपका जो मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ किया गया है स्टूडेंट, ये आपका यूज़ किया गया है आपका सुपरलेटिव डिग्री में। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो था आपका कि हम पॉजिटिव और आपका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अगर आपकी समझ में मान लो अगर कोई आपको डाउट रहता है आप या आपका कोई क्वेरी होता है तो स्टूडेंट आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट अब इसमें बढ़ रहे हैं उसमें बताया कि पॉजिटिव डिग्री से हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आपके रूल हैं, रूलों को हम बड़े आसानी से समझेंगे कि करके। जैसे आपका फर्स्ट रूल है स्टूडेंट कि सामान्य जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसके एडजेक्टिव के लास्ट में अगर आपका ER और हम EST जोड़ करके आपका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, यानी कि कोई आपकी अगर पॉजिटिव डिग्री होती है तो स्टूडेंट जनरली उसके लास्ट में हम ER जोड़ते हैं, तो ER जोड़ने से स्टूडेंट आपका कंपेरेटिव डिग्री बनता है, और अगर हम EST जोड़ते हैं तो वो आपका बनता है स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ जैसे आपको समझाया गया है बड़े आसानी से समझेंगे आराम आराम से। जैसे यहाँ आपका पॉजिटिव है, ये आपका कंपेरेटिव है, ये आपका सुपरलेटिव है। ये जो पॉजिटिव यूज़ किया जाएगा ये स्टूडेंट आपका यूज़ किया जाएगा एज डॉट डॉट एज या सो डॉट एज के बीच में। ये कंपेयर की जाएगी जब किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, तो वहाँ हम कंपेयर इस डिग्री का यूज़ करेंगे। जब बात की जाएगी पूरी क्लास की या कहीं एक वर्ग की, तो वहाँ पर हम इनका सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ आपका बताया गया है कि टेल, आप इनके मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि टेल मीन्स लंबा, हाई मीन्स ऊंचा, इस तरीके से। तो टेल मीन्स टेल, टेलर, टेलेस्ट। तो यहाँ मैंने बताया स्टूडेंट कि ये आपकी डिग्री है यानी पॉजिटिव है। इनका अगर हमें कंपेरेटिव बनाना हो तो हमको ER ऐड करना है। देखो मैंने इन सब में ER ऐड किया है इस तरीके से, आपको ER अगर हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आपके सब क्या है, हमने इन सब को किस में ऐड कर दिया स्टूडेंट, इनको हमने कंपेरेटिव में ऐड बना दिया इनको। अगर हम इनके बीच में अगर हम जो आपकी जो पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में अगर हम EST जोड़ते हैं तो स्टूडेंट वो आपका सुपरलेटिव बन जाएगा इस तरीके से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये जो आपकी मैंने जो डिग्री लिखी हुई है यहाँ पर एज एग्जांपल, तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, टेल, टेलर, टेलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, पुअर, पुअर, पुअरेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, राइट, राइटर और ब्राइटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, क्लियर, क्लियर, क्लियरेस्ट, चीफ, चीफर, चीपेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, थिंक, थिंकर, थिकेस्ट, स्लो, स्लोअर एंड स्लोवेस्ट। तो स्टूडेंट ये था आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल में आपको बताया गया है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्ट के लास्ट में, यानी कि जैसे अभी आपने टेल, हाई या क्लेवर इस तरीके से हमने जो आपके एडजेक्टिव यूज़ किए थे, अगर उन एडजेक्ट के लास्ट में अगर आपका ई आता है, ई वर्ड अगर आप जो आपके जो पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट वो आपके ई वर्ड पर अगर आपकी फिनिश होती है एडजेक्टिव, तो उनकी अगर हम आर जोड़ते हैं तो वो आपका कंपेरेटिव बनता है, अगर हम ST जोड़ते हैं स्टूडेंट तो वहाँ पर आपका सुपरलेटिव बनता है। एक तरीके से आप समझ ही जाओ कि जैसे वहाँ हमने ER जोड़ा था तो E तो है आपका ऑलरेडी, हमने यहाँ पर R जोड़ना है,
वहाँ पर हम ई एस टी जोड़ते थे, अब ई है पहले से तो हमने ई एस टी, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो यहाँ आपका दिया गया है पॉजिटिव, कम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में आपका स्टूडेंट वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, ब्रेव। तो यहाँ हमने केवल स्टूडेंट आपका आर ऐड किया है, देखो इन सब में हमने आर ऐड किया है। यहाँ देखो इसमें हमने एस टी ऐड किया है, देखो इधर एस टी यूज़ किया गया है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा इस तरीके से। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नोवल, नोवलर, नोवलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट में कोई भी कंसोनेंट हो, यानी कि वोवल, यानी फाइव वोवल को निकालने के बाद जो आपके 21 जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्टूडेंट आपके, उनमें से अगर कोई भी लास्ट में होता है और उससे पहले अगर मान लो कोई भी आपका अगर वोवल हो, तो हम ई आर जो जोड़ेंगे उससे आपका कंपरेटिव बनता है स्टूडेंट, और अगर हम ई एस टी जोड़ते हैं तो स्टूडेंट वो आपका बनता है आपका सुपरलेटिव। और आपका जो भी कंसोनेंट जो आता है स्टूडेंट वो क्या है, उसका हम डबल कर देते हैं, यानी वो डबल हो जाएगा। जैसे आपके दिए गए यहाँ पर पॉजिटिव में बताया गया सेड, तो यहाँ सेड, आप जब आप सेड को देखोगे तो स्टूडेंट डी आपका क्या है, कंसोनेंट है, और मैंने बताया कंसोनेंट से पहले आपका क्या है, वोवल है। देखो ए डी है तो यहाँ ई वोवल यूज़ किया, यहाँ एन है तो आपका आई यूज़ किया गया स्टूडेंट। तो इनके पीछे क्या आप करना है, ये जो आपका लास्ट वर्ड है ये आपका स्टूडेंट डबल हो जाएगा। देखो यहाँ सैड है तो यहाँ सैडर में आपका डबल हो गया डी और ई आर, आपने यहाँ ऐड जोड़ना है, ऐसे आपको ई एस टी ऐड करना है यहाँ पे, देखो इस तरीके से, और आपका जो वर्ड है लास्ट वो आपका डबल हो जाएगा। सैड, सैडर, सैडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, थिंग, थिनर, थिनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के स्टूडेंट वीट, वीटर, वीटेस्ट, हैट, सॉरी हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फिट, फिटर, टेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, विग, वेगर, बिगेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, स्लिम, स्लिमर और स्लिमेस्ट। स्टूडेंट अगर आप इनमें से किसी की भी मीनिंग नहीं आती तो आप यू डिक्शनरी या कोई भी अदर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप इनकी मीनिंग सर्च कर सकते हो आसानी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम कोई भी जो आपका एडजेक्टिव है वो आपका किसी भी कंसोनेंट पे फिनिश होता है और उससे पहले हम क्या है स्टूडेंट आपका वोवल आता है, तो जो लास्ट वर्ड है आपको डबल हो जाएगा, और कंपेरेटिव के लिए आपको ई आर ऐड करना है, सुपरलेटिव के लिए आपको ई एस टी को ऐड करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड में बताया कि यद किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट में स्टूडेंट आपका वाई हो और बाई के पहले हमने कोई भी कॉन्सनेंट आता है, यानी कि बाई के पहले अगर ए आई यू यू में से, यानी कि जो आपके फाइव वॉवल्स होते हैं उनको निकालने के बाद, अगर बाई के बाद अगर कोई आता है उनमें से 21 में से, तो जो आई जो आएगा स्टूडेंट बाई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई में बदल कर हम ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। तो ई आर जोड़ेंगे तो स्टूडेंट आपका कॉम्पिटेटिव बनता है, और ई एस टी जोड़ेंगे तो आपका सुपरलेटिव बनता है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ बताया गया पॉजिटिव, कॉम्पिटेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इज, तो यहाँ देखो स्टूडेंट यहाँ वाई है लास्ट, और वाई से पहले आपका जो क्या है समय, देखो कॉन्सोनेंट आ रहा हो, किसी में भी आपका वोवल यूज़ नहीं किया गया। देखो इजी, लेजी, हैवी, हैप्पी, वेद, ट्राई, मेरी, आपका प्रेटी है, बिजी है, होली है, हेल्थी है, तो इनमें देखो वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले आपका कोई भी वोवल नहीं, यानी कॉन्सोनेंट है, और ये जो आपका जो वाई है स्टूडेंट ये कन्वर्ट होगा आपका आई में, और हम कंपेरेटिव के लिए हम ई आर ऐड करेंगे। देखो तो लेजी है तो लेजी में आपका वाई किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, और ई आर जोड़ दिया तो हमने इसका कंपरेटिव बन जाएगा। ऐसे इसमें आई में कन्वर्ट होगा और आपका ई एस टी एड होगा। इजी, एजर, एएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हेवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ड्राई, ड्राइयर, ड्राइएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, बिजी, बिजियर, जीएस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर और हेल्दीएस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका यथ किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट में आपका वाई हो और वाई के पहले अगर आपका कोई भी वोवल हो, तो हम ई आर और ई एस टी जोड़कर कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। देखो कितना अच्छा बताया है, इसमें इससे पहले बताया था कि जो आपका वाई हो और वाई से पहले आपका क्या स्टूडेंट आपका कंसोनेंट अगर होता है, तो उसमें क्या था वाई को हमने आई में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें हमको वाई को किसी में भी कन्वर्ट नहीं करना है, केवल आपको कंपेरेटिव के लिए आपको ई आर ऐड करना है,
और सुपरलेटिव के लिए स्टूडेंट आपको ई एस टी ऐड करना है, जैसे यहाँ बताया गया। लेकिन यहाँ से बोला कि बाई को हम आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया आपका ग्रे, तो बाई है लास्ट देखो, और बाई से पहले आपका वॉवल आ रहा है देखो दोनों में, उसमें ए आ रहा है इसमें ई आ रहा है। तो इसमें क्या स्टूडेंट, उससे पहले हमने जब बताया था बाई को हम आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने बाई को आई में ऐड नहीं किया है, ये हमने यहाँ पर ई आर ऐड कर दिया और सुपरलेटिव के लिए आपने ई एस टी ऐड कर दिया। तो इस चीज़ को आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी रूल को समझने का प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट आप वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो दोबारा, और आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट आपका कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं जिनका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म अलग अलग होता है। स्टूडेंट अभी तो हमने बदलना सीखा कि ई आर और ई एस टी हमें कहाँ ऐड करना है क्या करना है, लेकिन ये कुछ फॉर्म होते हैं स्टूडेंट जो आपके सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव या पॉजिटिव तीनों अलग अलग होते हैं आपके। जैसे हम बात करेंगे, जैसे गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, गुड का बेटर और बेस्ट होता है स्टूडेंट, वेल बेटर और बेस्ट, देखो दोनों में एक जैसा यूज किया गया है इनकी, ये पॉजिटिव अलग अलग है, लेकिन कॉम्परेटिव और आपकी सुपरलेटिव आपकी दोनों ही सेंस में यूज़ किए गए हैं, लेकिन गुड और वेल आपके क्या हैं, दोनों ही अच्छे के सेंस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट बैड, इल और एबल, ये तीनों ही स्टूडेंट आपके फॉर बैड यानी बैड सेंस में यूज़ किए जाते हैं, और ये आपके फॉर गुड सेंस में यूज़ किए जाते हैं। तो बैड, इल और एबल देखो, वर्स वर्स और वर्स, तीनों की सेम ही आपकी कॉम्परेटिव बनाई है और तीनों ही आपकी सुपरलेटिव बनाई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फोर, फॉर्मर, फॉर्मेस्ट और आपका फर्स्ट, अर्लीएस्ट के ये अपोजिट होता है स्टूडेंट आपका फर्स्ट। नेक्स्ट आपका फोर, फोर मीन्स होता है डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, फार सॉरी, फार, फर्दर और फारदेस्ट, लेट, लेसर, लेजर और लेटेस्ट और आपका स्टूडेंट लास्ट, ये आपका सुपरलेटिव होते हैं। लिटिल, लेस और लेसर और आपका लीस्ट, मच ये यूज करते हैं स्टूडेंट, ये हम यूज करते हैं क्वान्टिटी के लिए, इसका बन जाता है मोर। देखो मच और मोर दोनों का ही आपका एक सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन मच यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं यानी कि परिमाण के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम मैनी का जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं हम फॉर नंबर के लिए, जहाँ कहीं भी बात की जा रही होगी नंबर्स के लिए, यानी दोनों का आप यूज इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही आप इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका नाई, नाइयर, नाइएस्ट और आपका नेक्स्ट बन जाता है स्टूडेंट। ओल्ड, ओल्डर और एल्डर, यानी ओल्ड का अगर हमें कंपरेटिव बनाना हो तो ओल्डर यूज़ करते हैं, और एल्डर यानी एल्डर जो यूज़ किया था स्टूडेंट, ये एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं एल्डेस्ट का, ओल्डर ये भी फैमिली के लिए होता है, ओल्डेस्ट हम सबसे सुपरलेटिव बनता है उसके लिए, यानी ओल्ड का ओल्डर और एल्डर दोनों ही आपके कंपरेटिव होते हैं, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट आपका स्टूडेंट ये भी आपके सुपरलेटिव्स होते हैं। इसी के आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट पॉजिटिव कंपरेटिव सुपरलेटिव में, फोर जो होता है स्टूडेंट ये आपका यूज़ किया था फोर मूवमेंट के लिए, तो इसका जो आपका कंपरेटिव होता है वो आपका फर्दर होता है, और आपका फोर्थेस्ट जो होता है वो स्टूडेंट आपका सुपरलेटिव होता है, यानी इसका ये सुपरलेटिव मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट आपका इन, इनका इनर होता है स्टूडेंट, इनरेस्ट होता है ये इसका एग्जाम्पल, यहाँ मैंने सुपरलेटिव यहाँ लिखा है इसका। अप मीन्स होता है आपका अपर, और हम इसका अपमोस्ट और अपमोस्ट, अपर और अपरमोस्ट दोनों से बना सकते हैं स्टूडेंट इसका। आउट का आउटर और उटर मोस्ट भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ बताया गया कि दो या दो से अधिक हम सिलेबस क्या होता है स्टूडेंट, ये कुछ वर्ड होते हैं यानी कुछ बड़े होते हैं, इनके हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे हम मोर और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट जोड़कर इनकी डिग्री चेंज करते हैं स्टूडेंट। ये आपके कुछ स्टूडेंट वर्ड दिए गए यानी इसके सिलेबस क्या, ये कुछ बड़े होते हैं, तो इनका जो सुपरलेटिव और जो कंपरेटिव जो इसे हमने भी बनाया था ई आर या आई एस टी जोड़कर या आई एस टी जोड़ करके, वो हम इनका चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इनका, इनको तो आपको स्टूडेंट याद करना ही होगा कंपलसरी, तो अगर आपको इनका कंपरेटिव बनाना है तो स्टूडेंट हम मोर का यूज़ कर देंगे, अगर सुपरलेटिव बनाना है तो स्टूडेंट आपको मोस्ट का यूज़ करना है। जैसे कि आपका डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट का मोर डिफ़िकल्ट, सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम मोस्ट बना देंगे, इसके आगे मोस्ट लगा देंगे। देखो लेबोरियस है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव, करेजियस, मैग्निफिसेंट, स्पेंडिड, यूजफुल, फेमस, ऑनेस्ट, तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है इनका। अगर हम कंपरेटिव बनाएंगे तो इनके आगे हम मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाना होता है स्टूडेंट हम क्या। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 8, इसमें बताया गया है कि आपके लैटिन एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट जिनको
जिनके पीछे लास्ट में आपका आई ओ आर यूज किया जाए, जैसे आपका दिया गया अब यहाँ पर जूनियर है, सीनियर है, इंटीरियर है, सुपीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रीरियर है और एंटीरियर। इनका यूज़ जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं हम कंपरेटिव, यानी कि फॉर कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं। अतः इनके साथ आप मोर, लेस, मोस्ट या लीस्ट का यूज़ करके इनका या तो हम सुपरलेटिव बना सकते हैं ना कंपरेटिव बनाया जाता है। और इनके बाद हमेशा स्टूडेंट प्रपोजिशन आपका टू यूज़ किया जाएगा, ना कि आपका देन। जैसे हम जनरली कोई भी कंपरेटिव डिग्री में हम यूज़ जो करते हैं आपका एडजेक्टिव, उसके साथ आप देन का यूज़ करते हो, लेकिन ये जो आपकी जिनके लास्ट में आपका आई ओ आता है उनके साथ आप प्रपोजिशन टू का यूज़ करोगे स्टूडेंट, देन का अगर आप यूज़ करते तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया आपका कि राम इज सुपीरियर टू ऑल हिज ब्रदर, यहाँ पर जो सुपीरियर वर्ड यूज़ किया गया इट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सुपीरियर मीन्स क्या होता है, अपने आप से किसी भी चीज़ में जो श्रेष्ठ होता है यानी एज में जो बड़ा है। तो यहाँ बताया गया राम क्या है आपका इज सुपीरियर, तो इसके साथ स्टूडेंट हमने यहाँ यूज़ किया आपका टू, ना कि देन का। अगर इसके साथ आप देन का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट आपका ये गलत हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके लास्ट में आपका आई ओ आर होता है उसके साथ हम प्रपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, ना कि आपके देन का। तो ऑल हिज ब्रदर, तो ये आपका स्टूडेंट राइट हो जाएगा। इसी में बी में आपका बताया कि राम इज मोर सुपीरियर देन ऑल हिज ब्रदर, तो यहाँ मैंने बताया था स्टूडेंट इनका हम कंपरेटिव जो बनाते हैं हम मोर या लेस का यूज़ करके आप इनका कंपरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी जो होते हैं आपके कंपरेटिव में ही होते हैं और इनके साथ आप टू का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट देन का यूज़ किया, ये भी आपका रॉन्ग है, और इसके साथ हमको मोर का भी यूज नहीं करना, क्योंकि ये आपका लैटिन एडजेक्टिव, हमने यहाँ पर सुपीरियर यूज़ किया है इसके साथ। सी में बताया है कि राम इज लेस सुपीरियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, तो यहाँ बात की गई स्टूडेंट आपका लेस, और मैंने आपको बताया कि जितने आपके लैटिन आपकी जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम लेस या मोर का यूज़ करके ना तो आप उनका कंपरेटिव बना सकते हो, ना ही आप लीस्ट या मोस्ट का यूज़ करके आप उनका सुपरलेटिव बना सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक तो गलती की, हमने यहाँ लेस यूज़ किया है जो कि आपका गलत है, और यहाँ पर पोजिशन आपने टू ऑल किया है, और यहाँ पर आपने नाम रखा गया स्टूडेंट आपने टू नाम किया, ये इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। या आपके डी एग्जाम्पल में बताया गया स्टूडेंट कि राम इज सीनियर टू रमेश, सीनियर क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ भी हम जो आपके हम कहीं भी वर्क करते हैं तो आपसे जो सीनियर होता है यानी आपसे जो बड़ा पद में होता है वो आपका सीनियर होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि राम इज सीनियर टू रमेश, के राम है वो आपका सीनियर है किससे स्टूडेंट, रमेश से। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है स्टूडेंट, यहाँ हमने टू यूज़ किया इसलिए आपका राइट है। अगर हम इस टू की जगह आपका देन यूज़ करते तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बताया कि दिस इवेंट टुक प्लेस प्रियर टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी यहाँ बताया कि ये जो आपका इवेंट हो रहा है यानी ये जो घटना घटी है स्टूडेंट ये स्थान किसका लेगी, यानी प्रियर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम पहले के संदर्भ में, यानी कि कोई चीज़ आपकी पहले यानी कोई भी इवेंट आपका पहले हो चुका है, तो इस तरीके से यहाँ बताया गया। तो इसके साथ हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया जो कि आपका स्टूडेंट राइट है। ऐसे यहाँ बताया कि द इवेंट टुक प्लेस एंटीरियर टू दैट, यानी कि कोई पहले एंटीरियर मीन्स होता है स्टूडेंट आपका कोई पहले से आपका हुआ है, यानी ये जो इवेंट हो चुका है ये पहले का हो चुका है, इसकी जगह पर ये आपका प्लेस लेगा। तो यहाँ पर हमने सीखा स्टूडेंट कि जितने आपके लैटिन एडजेक्टिव थे उनके साथ आपने प्रपोजिशन टू का यूज़ किया है, और इनके लैटिन जो होते हैं उनके लास्ट में आपका आई और का हम यूज़ करते हैं। यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका नोट में कि जूनियर और सीनियर और प्रीरियर तक का ये जो आपके होते हैं ये आपके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट, जितने आपके लैटिन होते हैं ये सब इनका यूज़ हम फॉर आपकी पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ना कि कंपेरेटिव और आपके सुपरलेटिव में। यहाँ बताया गया स्टूडेंट जैसे कि अगर आप बात करेंगे जूनियर, इंटीरियर और ऑनटीरियर का अपोजिट, अपोजिट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बिलोम होता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका सुनी आपका सीनियर है तो सीनियर का अपोजिट क्या होगा, आपका जूनियर होता है। सुपीरियर है तो आपका इंटीरियर हो जाएगा, और एंटीरियर आपका पोस्टीरियर हो जाएगा। यहाँ बताया गया आपका जो जूनियर है, सीनियर और इंटीरियर है यानी जो नीचे वाले आपके हैं, और सुपीरियर का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाम की तरह करते हैं, अतः इनके साथ आप प्लूरल फॉर्म में होता है, इनका यूज़ जो करेंगे स्टूडेंट हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे। जैसे
कि सुरेंद्र इज ए सीनियर टीचर, यानी अब बात ये कि सुरेंद्र नाम का कोई टीचर है वो आपका क्या है स्टूडेंट, वो सीनियर है। तो यहाँ बताया गया है कि हम काउंटेबल नाम की तरह, तो यहाँ बताया गया एक सीनियर यानी कि एक टीचर के बारे में बात की गई, तो यहाँ ये आपका राइट है। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट आपका वी मस्ट ओवे आवर सीनियर्स, तो ये जो आपका सीनियर्स है यहाँ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट कि ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया गया कि वी मस्ट हमें करनी चाहिए कि ओवे मीन्स जो हमारे जो बड़े होते हैं हमसे जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो सीनियर्स का प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ किया गया स्टूडेंट। तो यह था आपका रूल नंबर 8, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 9 में आपका बताया गया स्टूडेंट कि आपका माइनर मेजर और इंटीरियर और एक्सटीरियर और आपका यूटीरियर कि ये आपके लैटिन एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनका जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में ही करते हैं, ना कि आपके कंपरेटिव और आपके एडजेक्टिव के रूप में नहीं करेंगे। यानी कि ये जो आपके मेजर है आपका माइनर है और आपका इंटीरियर है और एक्सटीरियर और आपका यूटीरियर, तो स्टूडेंट इनका जो यूज़ करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं आपके पॉजिटिव डिग्री यानी कि किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि दिस इज़ ए मेजर पोर्शन, यहाँ बात की गई स्टूडेंट मेजर का यूज़ किया गया है और यहाँ बताया गया किसी के साथ, देखो यहाँ पर कोई भी कंपेरेटिव मतलब किसी के साथ हमने कंपेयर नहीं किया है, जैसे कि दिस इज ए मेजर मेजर पोर्शन आपका ऑपरेशन है कि यानी ये जो ऑपरेशन है स्टूडेंट ये आपका क्या है मेजर माने बड़ा होता है, और माइनर जो होता है स्टूडेंट वो यूज़ करते हैं आप छोटे के लिए कि दिस इज ए माइनर ऑपरेशन, यानी कि ये जो ऑपरेशन था ये आपका छोटा था। तो यहाँ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यहाँ बात की है कि यानी कि जो दीवार है इंटीरियर ये पहले की जो दीवार बनी है उसकी जो अंदर की जो जो दीवार है स्टूडेंट वो क्या आपकी नॉट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर कोई भी कंपेयर आप नहीं हो रही यहाँ पर, तो सिर्फ हमने यहाँ कैसे यूज़ किया गया स्टूडेंट इनका, हमने सिर्फ यूज़ किया गया एज आपके पॉजिटिव डिग्री के रूप में। यहाँ बताया है कि माइनर और इंटीरियर जो इनका जो अपोजिट होता है, माइनर मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट छोटा हो गया, और तो मेजर मीन्स क्या होगा बड़ा हो गया, इंटीरियर अंदर के लिए यूज करते हैं और एक्सटीरियर होता है बाहरी, तो ये एक दूसरे के स्टूडेंट अपोजिट होते हैं, मेजर का आपका माइनर और एक्सटीरियर का आपका इंटीरियर। और इनसे पहले हम मोर या हम मोस्ट का यूज़ करके आप सुपरलेटिव या हम कंपरेटिव नहीं बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही चुका हूँ ये आपकी लैटिन एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, बट इनका इनको हमें पॉजिटिव में यूज़ करना है, तो इनके साथ हम मोर और मोस्ट लगा क्यों बनाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इनका यूज़ जो भी हम करते हैं वो आपका पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि द मोस्ट मेजर ऑपरेशन पोर्शन, तो यहाँ स्टूडेंट हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है मोस्ट का, तो ये स्टूडेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जब इनका हम यूज़ करते हैं मेजर या माइनर है आपका, तो इनके साथ हम मोस्ट या आपका मोर लगाकर इनका सुपरलेटिव और हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ इसने बताया कि द मोस्ट मेजर पोर्शन, तो यहाँ इसने मोस्ट लगा दी जो कि आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका द मेजर पोर्शन, तो ये स्टूडेंट आपका सही है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका बताया गया है कि द मोस्ट माइनर पोर्शन, तो यहाँ बताया गया कि कोई छोटे हिस्से की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट यहाँ इसमें क्या यूज़ किया है मोस्ट किया है जो कि आपका एकदम गलत है रॉन्ग है आपका स्टूडेंट्स, तो इसका राइट होगा द माइनर आपका पोर्शन। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि इनके साथ हम मोर और मोस्ट लगा करके कंपेरेटिव और आपका सुपरलेटिव डिग्री इनका नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें बात की गई स्टूडेंट नोट में बताया कि आपका जो माइनर होता है इसका यूज़ करते हैं हम नाउन के रूप में, यानी कि अल्प वयस्क या नाबालिग, यानी कि यंग मैन होता है जिसकी एज आपकी अडल्ट होता है, अडल्ट नहीं होता है सॉरी, तो उससे पहले के जो होते हैं उसके लिए आप माइनर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट छोटे के लिए रूप में यूज़ करते हैं यानी कि, और मेजर का जो यूज़ करते हैं ये आपका एक सैन्य दल का अध्यक्ष होता है स्टूडेंट, या कहें हम बालिग यानी कि आपका समझदार होता है अडल्ट होता है आपका, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो माइनर होता है वो नाबालिग के लिए यूज़ किया जाता है, और आपका मेजर यूज़ किया जाता है स्टूडेंट वो यूज़ किया जाता है आपका फॉर बालिग यानी जो समझदार होता है जो अडल्ट होता है आपका। यहाँ बात की गई है और मेजर आपका एक सैन्य दल का एक अधिकारी भी होता है, जैसे बताया गया है कि एन ऑफिसर इन रैंक अबव ए कैप्टन इज कॉल्ड मेजर, यानी कि आपकी एक रैंक होती है ऑफिसर की एक अधिकारी की सेना में, यानी कि आपकी एबव मीन्स ऊपर
यानी जो कैप्टन होता है स्टूडेंट, उससे ऊपर की जो रैंक में जो अधिकारी होता है उसको आप बोलते हो मेजर। ये पर्सन अंडर एज यानी कोई बच्चा है जो नाबालिग है उसको आप स्टूडेंट माइनर बोलते हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज यानी कि जो फुल एज है यानी अडल्ट है वयस्क है, तो उसके लिए स्टूडेंट आप मेजर का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि मेजर का हम यूज़ किस कहाँ पर भी करना है और माइनर का यूज हमें कहाँ करना है। बताया कि इंटीरियर का यूज़ भी हम नाउन के मध्य भाग यानी कि द इनर पार्ट यानी कि जो बीच का जो हिस्सा होता है स्टूडेंट उसके लिए यूज़ करते हैं। आप अपने आप ही समझ सकते हो इन मीन्स क्या होता है, अंदर होता है, एग्जिट मीन क्या होता है, बाहर होता है। तो यहाँ बात की गई इंटीरियर, तो यहाँ बात कर रही है आपकी द इनर पार्ट यानी कि किसी भी नाउन की अगर हम बीच की बात करेंगे तो स्टूडेंट वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया द बॉय इज़ माइनर, तो ये बात की गई स्टूडेंट कि ये जो लड़का है ये आपका कैसा है स्टूडेंट, नाबालिग है, तो ये आपका राइट है आपका। यहाँ बात की गई कि द मैन वॉज ए मेजर, तो ये आपका सही है। यहाँ बताया गया कि स्टूडेंट कि द मैन वॉज यानी कि वह कोई आदमी था, या द लगा कर किसने क्या बताया किसी एक स्पेशल किसी व्यक्ति की बात कर रहा है किसी की, जो क्या था आपका स्टूडेंट एक सैन्य अधिकारी था यानी कि वो एक मेजर था सेना में, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ बताया गया आपका द इंटीरियर ऑफ द डाइनिंग हॉल वॉज पेंटेड यानी कि आपका जो बीच का जो हिस्सा होता है डाइनिंग हॉल जो होता है उसका जो हिस्सा था वो कैसा था स्टूडेंट आपका पेंटेड था। तो यहाँ आपने बड़ी आसानी से समझा होगा, आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्टूडेंट प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट बोले स्टूडेंट आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले हम मोर या मोस्ट को लगाने से क्रम से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं और ना ही आपका ईआर और ईएसटी लगाते हैं स्टूडेंट। बात की गई स्टूडेंट यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी यानी कि स्टूडेंट आपकी कुछ ऐसी डिग्रियाँ होती हैं जिनका आप ना तो उसका कंपेरेटिव बना सकते हो ना ही आप उनका सुपरलेटिव बना सकते हो। किसके यूज़ से, या तो हम मोर लगाएंगे, तो इससे पहले जब हमने सीखा था कुछ मैंने आपको बताया था कुछ एडजेक्टिव के आगे हम मोर लगा करके उनका कंपेरेटिव बनाते हैं, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, ऐसे लास्ट में हम ईआर जोड़ते हैं तो कंपेरेटिव बनता है और ईएसटी जोड़ते हैं तो स्टूडेंट आपका सुपरलेटिव बनता है। लेकिन हाँ मैंने बात की कि ये आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है, इससे आगे इसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं होती है तो इसका स्टूडेंट आप इनकी इस तरीके से आप मोर या मोस्ट या ईआर ईएसटी जोड़कर हम इनका सुपरलेटिव और आप कंपेरेटिव नहीं बना सकते। इसे हम बताया गया है कि चीफ क्या होता है स्टूडेंट, अपने आप में एक हाईएस्ट डिग्री होती है, इसका यूज अगर आप मोर चीफ या मोस्ट चीफ लगाओगे या हम कहें चीफर या चीफ बेस्ट तो ये स्टूडेंट आपके क्या है रॉन्ग हो जाएंगे आपके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना और ये आपका चीफ स्टूडेंट राइट हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं इनका स्टूडेंट आप केवल ये अपने आप में एक हाईएस्ट डिग्री होते हैं, तो ऐसे ही यहाँ बताया गया आपका एक स्टूडेंट होता है आपका राउंड। राउंड का क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे बोला जाए कि इसका आपको कंपेरेटिव बनाना है तो आप इसका कंपेरेटिव नहीं बना सकते, आप इसका सुपरलेटिव नहीं बना सकते हो भाई, राउंड है तो आपका राउंड ही रहेगा, हाईएस्ट डिग्री होता है भाई, ये आपसे बता रहे इससे और इसकी हाईएस्ट डिग्री नहीं हो सकती है। तो यहाँ मोर राउंड या हम कहें राउंडर या राउंडेस्ट करके, तो स्टूडेंट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि हम इनका सुपरलेटिव या कंपेरेटिव इस तरीके से नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके राइट दिए गए हैं, जैसे आपका राउंड है, यूनिक है, टोटल है, होल है, सिंगुलर है, यानी इसी प्रकार जो हाईएस्ट डिग्री क्वालिटी एक्सप्रेस करने वाले जो एडिक्ट होते हैं स्टूडेंट वो मैंने यहाँ पर आपके बताए हैं सभी। चीफ है आपका राउंड, यूनिक, टोटल, नेक्स्ट है आपका होल, सिंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एक्सटेंट, एक्सटीरियर, एनुअल, गोल्डन, डीप, ओवलेंट, राइट, एम्प्टी, सर्कुलर, रॉन्ग, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, एंटायर, एक्सटर्नल और आइडियल और आपका सो। ये जो आपके स्टूडेंट होते हैं ये आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी इनका हम किसी भी तरीके से अगर आपसे बोला जाता है कि आप मोर या ईआर या हम कहें मोस्ट, तो इस तरीके से आप इनका सुपरलेटिव और कंपेरेटिव नहीं बना सकते, तो ये अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री आपके होते हैं स्टूडेंट। लेकिन कुछ ऐसी आपके एडजेक्टिव होते हैं जिनका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मोस्ट परफेक्ट, बात करें स्टूडेंट परफेक्ट अपने आप में है, हाईएस्ट डिग्री है, लेकिन अगर आपको बनाना हो तो सुपरलेटिव आप इसका बना सकते हो, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट भी बना सकते हो आप इसका और फुलर भी। तो ये बात की गई है कि स्टूडेंट यहाँ जैसे मोर परफेक्ट तो ये आपका कंपेरेटिव बन गया यहाँ पर,
मोर कंप्लीट ये भी आपका कंपरेटिव हो गया, डिग्री आपकी कंप्लीस्ट ये आपका सुपरलेटिव होता है और कंप्लीट आपका स्टूडेंट कॉम्परेटिव होता है। फ्लर मीन्स होता है आपका फिल का, फ्लर हो गया स्टूडेंट और फ्लैश्ड हो गया, तो इनका भी आप यूज स्टूडेंट कर सकते हो। और ये जो आपकी जो मेन मैंने बताया था आपकी इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीजन, डिग्री को कैसे चेंज करते हैं यानी सुपरलेटिव कंप्लीट डिग्री हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके डाउट को मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।